नीतिवचन अध्याय 8। नीतिवचन अध्याय 8। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिरमुहानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के पैठा में और द्वारोही में वह ऊंचे स्वर से कहती है कि हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खो, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी और मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, क्योंकि दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की ही होती है, उनमें से कोई टेढ़ी व उलटफेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान के प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मुंगे से भी अच्छी है और सब मन भावनी वस्तुएं उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में बास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हकीम और रईस और पृथ्वी के सब न्याय शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनमें से मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म की बाट में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ व पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूली के परमाणु बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी पर प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों से खम्भों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करते हैं वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं।